ओके जी, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। हम कर रहे हैं स्पेशल टेस्ट्स ऑफ हियरिंग जो आपके बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी डिजीजेज में आप जब इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो आपके ये टेस्ट्स के नाम आते हैं। इस वजह से नोइंग अबाउट देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो मैंने आपको इसमें शुरू में कुछ चीज़ें इससे पिछली वीडियो में मैंने रिक्रूटमेंट सीसी एंड थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट बता दिए। अब वी आर गोइंग टू डू इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में बेसिकली हम करते क्या है कि हमने अपना नर्व इम्पल्सिस, आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में चलती है, क्योंकि जाहिर है आपको नर्व जब भी हमारी बॉडी में जनरेट होती है तो नर्व जनरेट्स एक्चुअली एन इम्पल्स। दैट इम्पल्स इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना या इम्पल्स है, उसको हम अगर डिटेक्ट कर लें तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या नर्व का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है जी, नर्व और नर्व से आगे जितनी जगह वो ट्रांसफर हो रही है ब्रेन में, ब्रेन में सारी जो एक्टिविटी चल रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो हम हमारे जो भी ऑर्गन है उससे जैसे ही नर्व निकल के जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन जाती है एंड वापस टुवर्ड्स दैट ऑर्गन आती है, वो सारा पाथवे हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट इलेक्ट्रिक करंट जो नर्व से जनरेट हो रहा है। ठीक है जी, तो जो इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में है जिसमें हमारे दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी आती है एंड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स आता है। इन दोनों में हमारा जो मेन मकसद होता है वो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना होता है जो सारे के सारे हमारे ऑडिटरी पाथवेज में, हेयरिंग पाथवेज में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी की। ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है, इस वजह से पहले मैं बता दूं कि आजकल अबैंडनड है, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज इन्वेसिव प्रोसीजर्स बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हमने डिटेक्ट करना है कि आइदर हमारी जो नर्व है, आपको पता है कि हमारे कॉकलिया से, कॉकलिया इज द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, इनर ईयर में प्रेजेंट है, वहाँ से हमारी जो एट्थ नर्व है वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व वो निकल के आगे मैसेज लेके जाती है। तो इसमें हम करते क्या है कि हम चेक करते हैं कि आइदर आपकी जो एट्थ नर्व है वो नॉर्मली अपना मैसेज आगे लेके जा रही है या नहीं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सेटअप है हमारे पास जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। कॉकलियर माइक्रोफोनिक्स कहते हैं, पहला जो उसका पोर्शन है समेटिंग पोटेंशियल, फिर उसका, फिर एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्स नर्व। लाइक इसके ये तीन कंपोनेंट्स हैं कि हम किस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो चेक करते हैं। कॉकलियर माइक्रोफोनिक्स का मतलब है कि हम कॉकलिया के जो अंदर जनरेट हो रहा है सब कुछ, उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। कॉकलिया के अंदर इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उसके रिजल्ट में वो नर्व को एक्टिवेट करते हैं। समेटिंग पोटेंशियल, जितने भी कॉकलिया से ट्रेवल करके जा रही है हमारी साउंड, वो सारी की सारी सम होती है, वो सारी टोटल होती है और फिर जाके एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्थ नर्व बनता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है वो हम इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी के जरिए डिटेक्ट करेंगे। सिंपल सा लेंगे कि एक नीडल की तरह का ऐसे पतला सा इलेक्ट्रॉड होता है, वो इलेक्ट्रॉड आपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करना है और मिडल ईयर में लेके जाना है। मिडल ईयर में क्या होता है, आपकी जो मिडल ईयर आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मिडल ईयर एक बॉक्स की तरह का होता है और मिडल ईयर की वो वॉल जो कि आपको इनर ईयर से सेपरेट कर रही है, ये वाली जो वॉल है, ठीक है, सपोज ये पूरा मिडल ईयर है अगर, और तो ये वाला आपका इनर ईयर होगा। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो वॉल होती है इस पे आपके ऐसे एक बल्ज सी होती है, आपने पढ़ा था, और उस बल्ज को हमने कहा था कि दिस बल्ज इज अ प्रोमोन्ट्री। ठीक है जी, तो प्रोमोन्ट्री बेसिकली आपके कॉकलिया का एक टर्न था जो बना रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी ये जो नीडल है ना, हमने इस नीडल को लेके जाना है अप टिल द प्रोमोन्ट्री। ठीक है, क्योंकि प्रोमोन्ट्री कॉकलिया का टर्न की वजह से बन रही होती है, तो मतलब ये कॉकलिया तक हमारी नीडल पहुंच गई। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि आइदर कॉकलिया में साउंड पेशेंट को देते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉकलिया में जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, लाइक उसमें इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और एट्थ नर्व एक्टिवेट हो रही है या कि नहीं हो रही। तो इस तरह से हमें बहुत आराम से पता चल जाता है कि आइदर दिस कॉकलिया इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम होता है एक ये कि आपका इन्वेसिव प्रोसीजर, आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करना है और फिर आपको मिडल ईयर में भी पूरा अंदर जाके प्रोमोन्ट्री तक पहुंचना है, तो इस वजह से इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसमें फ़ायदा ये कि हमें इसमें पेशेंट का कोई जवाब नहीं चाहिए, हमें पेशेंट से कुछ नहीं पूछना। इस वजह से इन्फेंट्स में ये बहुत आराम से इस्तेमाल हो सकता है जो बच्चे जवाब नहीं दे सकते। फिर हम ये प्रोसीजर एडल्ट्स में तो लोकल एनेस्थीजिया में कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में हमेशा जनरल एनेस्थीजिया देके करते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एंजाइटिक होते हैं और अगर हल्की सी भी नीडल इधर उधर किसी और चीज़ को टच होगी तो फिर वो बहुत बड़ी परफोरेशन कर सकती है। ठीक है, तो इससे आपको आराम से पता चल जाता है कि मसला एग्जैक्टली कॉकलिया में है या फिर एट्थ नर्व के फाइबर्स में। ठीक है, अगर कॉकलिया में मसला होगा तो आपको यहीं पर से कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ये आपकी इलेक्ट्रोकॉकलियोग्राफी होगी। फिर आपके पास जो दूसरा चीज़ है दैट इज़ ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। अच्छा गाइस, अब आपने ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स को ना अच्छे से करना है बिकॉज ये आपका एससीक्यू में भी आया हुआ है, एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है पास्ट क्वेश्चंस में, तो इस वजह से आपने इसको बहुत अच्छे से करना है और आपके हर टेस्ट में इसको आप बहुत दफ़ा रिपीट में देखेंगे। अच्छा, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स के नाम से, यानी ABR के नाम से, इसकी जो एब्रीविएशन है वो ABR है, इस नाम से ये इतना ज़्यादा नहीं आता, सबसे ज़्यादा आता है ये बेरा के नाम से। बेरा स्टैंड फॉर ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, मतलब इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए, इधर ब्रेन स्टेम पहले लिए हैं, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, और इसी के ये दो और नाम भी हैं,
ब्रेनस्टेम ऑडियोमेट्री इवोक्ड रिस्पॉन्स या ब्रेनस्टेम ऑडियोमेट्री इवोक्ड पोटेंशियल। तो ये इसी के सारे नाम है, सिर्फ इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ABR, BERA, BAER और BAEP, ये कोई भी नाम है तो आपकी जो बात है वो यही वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज एक तो इन्फेंट्स में आराम से इस्तेमाल हो जाता है, दूसरी बात ये कि इसमें भी हमने डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करनी है, लेकिन इसमें हम जब साउंड देंगे पेशेंट के कान में तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम स्कल के ऊपर से डिटेक्ट करेंगे या फिर वर्टेक्स आपका, ये जो आपका अगर स्कल है ना तो ये जो पोर्शन होता है माथे का ऊपर वाला पोर्शन, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पे इलेक्ट्रोड रख के यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जितना भी पूरा एक नर्व जो है हमारी कान, ये कान है सपोज, ठीक है, कान के अंदर आपका एक कॉकलिया है, कॉकलिया से 8th नर्व निकल के जाती है, तो वो पहले आपके लंबे पाथवे से गुजर के ब्रेन स्टेम तक जाती है, ठीक है, ब्रेन स्टेम में 8th नर्व न्यूक्लियस है, फिर वहाँ से वो सेंसरी सिस्टम ऑफ ब्रेन तक जाती है जिसमें आपका रास्ते में इन्फीरियर कॉलिकुलस आता है, फिर आपका लेमनिस्कस आता है, फिर वो वापस आती है सारे के सारे रास्ते से और फिर दोबारा से मोटर सिस्टम में जाती है, फिर रिट्रीव होती है। तो इसमें आपकी सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन की है ना, वो आप स्कल ऑन द जो आप स्कल पे इलेक्ट्रोड रखेंगे उसके जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा साउंड का पाथवे आपने जो फिजियोलॉजी में पढ़ा था एग्जैक्टली वही है और इस तरह से आपकी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना इसमें जो आपने एक बात याद रखनी है वो ये कि हम इसमें ना जब साउंड देते हैं तो वो हम टोन बर्स्ट्स की फॉर्म में देते हैं, लाइक आप एक कंटिन्यूस साउंड नहीं देंगे, आप बर्स्ट्स या क्लिक्स ऑफ साउंड, लाइक थोड़ी थोड़ी करके साउंड देते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी हमारे इलेक्ट्रोड्स इस टेस्ट में यानी आपके ABR में या BERA में डिटेक्ट करते हैं वो 1000 से लेकर 4000 हर्ट्ज तक होती है। ये बातें आपके MCQ में आ सकती हैं, ये फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी ABR की आपने स्पेशली याद रखनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1000 से 4000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी से डिटेक्ट हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। और आपने याद रखना कि हम टोन बर्स्ट्स में साउंड देते हैं, एक स्टेडी साउंड नहीं देते, ठीक है। अब जब हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जो इलेक्ट्रोड हमने ऊपर रखा होगा वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब वो डिटेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास पूरा पाथवे ऑफ साउंड है, पाथवे ऑफ साउंड में कॉकलिया से 8th नर्व जनरेट हुई, वहाँ से वो ब्रेन स्टेम में जाती है, ब्रेन स्टेम से वो आपके मतलब आपके ब्रेन स्टेम में जो आपका कॉकलियर न्यूक्लियस है आपका प्रेजेंट होता है पोन्स में, वहाँ पर जाएगी, वहाँ से फिर वो जाती है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, वो भी आपका सेंसरी न्यूक्लियस है जो प्रेजेंट होता है आपकी ब्रेन स्टेम में ही, उसके बाद वहाँ से फिर ऊपर ब्रेन में लेमनिस्कस में जाती है, फिर इन्फीरियर कॉलिकुलस में। तो ये आपका पूरा एक फिजियोलॉजी में जो आपने साउंड का पाथवे पढ़ा था वो सारा का सारा मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको ये पाथवे याद रखने की कोई खास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जनरली आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपकी फिजियोलॉजी है, लेकिन आपको अच्छा याद रखना तो आपके लिए बहुत आसान सा निमोनिक है ई कोलाई, ठीक है जी। जिस तरह आपने पढ़ा मैंने एस्केरिशिया कोलाई को हम ई कोलाई कहते हैं, आप डबल ई कोलाई याद रखें, ठीक है। डबल ई कोलाई स्टैंड्स फॉर सबसे पहले 8th नर्व जो आपकी जनरेट हुई है, फिर उसके बाद दूसरा ई भी 8th नर्व जो ब्रेन स्टेम में एंटर हुई है, फिर सी स्टैंड्स फॉर कॉकलियर न्यूक्लियस में चली गई है, ओ स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स यानी ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में चली गई है, फिर एल स्टैंड्स फॉर लैटरल लेमनिस्कस एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये नीचे से ऊपर तक पूरा आपका नर्व का पाथवे है जो फॉलो होता है, तो ई कोलाई आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हर इस पॉइंट पे जब जब नर्व जो है वो एक एक पॉइंट पे पहुंचती है तो आपके पास इलेक्ट्रोड पे एक एक ऐसे वेव आती है, पीक आती जाती है आपकी, ठीक है। तो ये क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आपकी नॉर्मली जो है वो 7 पीक्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होती है जो आपकी 1E से शुरू होती है और इन्फीरियर कॉलिकुलस पे आपकी 2 पीक्स आती हैं, ठीक है। तो 6 ये हैं टोटल, इन्फीरियर कॉलिकुलस पे 2 पीक्स आ गई तो टोटल आपकी 7 पीक्स बनती है और आपको ऐसे एक पूरी वेव बनती है नॉर्मल लोगों में। फिर आप इस वेव में 3 चीज़ें चेक करते हैं, वेव इस तरह की होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह की आपकी ये पिक्चर ऑफ वेव्स बनती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसके बाद होती है, ये आपकी पूरी पिक्चर्स आती है। अब आपने इसमें 3 चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहले आपने चेक करना होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लेटेंसी। एब्सोल्यूट लेटेंसी का मतलब है इस स्टिमुलस वाले पॉइंट से लेकर ये जो आपका शुरू हो रहा है स्टिमुलस वहाँ से लेकर पीक ऑफ द वेव तक, ठीक है। आप ये मेजर करते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट लेटेंसी कहते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज। फिर दूसरी चीज़ होती है आपकी बिटवीन द टू वेव्स जो इंटर वेव लेटेंसी है, यानी ये 2 और 3 के दरमियान में ये जो एक नीचे गई हुई वेव है, फिर आप इस इंटरवेव लेटेंसी को भी चेक करते हैं। और आखिरी चीज़ होती है जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज़ द टोटल स्ट्रेंथ के कितनी टोटल स्ट्रेंथ गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस वेव की, ठीक है। नॉर्मली 1, 3 और 5th वेव्स आर इंपॉर्टेंट, ये आप अक्सर बिकॉज ये आपकी जो है ना ज़्यादा स्टेबल वेव्स होती हैं। बहरहाल इतनी डिटेल में नहीं भी याद रहता, अगर आपको ये भी याद रहता बिकॉज ये आपका SEQ है ना तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। सबसे पहले आपने बताया है कि BERA स्टैंड किसके लिए करता है, फिर BERA में हम किस तरह से डिटेक्ट करें, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉड्स वर्टेक्स पे रखेंगे और टोन ऑफ साउंड देंगे, 1000 से 4000 तक डिटेक्ट करेगा। इस तरह की वेव्स बनेंगी, वेव्स में
हमने तीन चीजें चेक करनी है, दो लेटेंसीज और एक एम्पलीट्यूड। वेव्स के निमोनिक क्या है, ई इक्वलाई, इस तरह से आपने याद रख लेना। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस वो लिखे हुए ठीक है आपको जो नजर आ रहे हैं। सबसे पहला यूज क्या है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीनिंग, क्योंकि ये इसमें हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए और ये बहुत जल्दी हो भी जाता है और इन्वेसिव भी नहीं है। दूसरा इन्फेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने अगर हियरिंग थ्रेशोल्ड चेक करना है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकते तो उनमें हम इसके जरिए हियरिंग चेक कर सकते हैं। फिर रिट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी, जाहिर सी बात है अब ये शुरू ही नर्व से हो रहा है, तो जितनी भी नर्व से लेकर ब्रेन स्टेम तक कोई भी मसला होगा, चाहे वो रिट्रोकॉक्लियर होगी, चाहे वो ब्रेन स्टेम पैथोलॉजी होगी, चाहे वो एट्थ नर्व का कोई मसला होगा, तो वो सारे के सारे मसले हम इस टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सो ये इसकी सारी डिटेल्स है, इनको आप इसको आपने अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से कोई बात नहीं समझ में आती, यू आर ऑलवेज वेलकम, मेरा फेसबुक का पेज भी है, उस पर भी लिंक्स मैं डालने शुरू कर दूंगी आपके, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप कुछ पूछ रहे हैं वहाँ कोई डिस्कशन करिए, यू कैन डू इट ठीक है। इफ यू एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, थैंक यू।